क्योंकि नौ श्रुति अंतर का गैप ये परफेक्ट अच्छा होता है कॉन्सोनेंस के लिए, संवाद के लिए, तो ये सबसे अच्छा संवाद माना जाता है सा पा और सा मा का। अब आप सुनो, सा और तीव्र मौकों में एक साथ दबाता हूँ, ये तो साहब ऐसा लगेगा जैसे कोई भयानक घटना घट गई हो। इसको कहते हैं डिसोनेंस या फिर विवाद, इसलिए क्योंकि तीव्र मध्यम विवाद पैदा करता है, इसलिए ये कभी वादी स्वर हो ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि वादी स्वर का राग से क्या संबंध है, या फिर वादी स्वर का मनन चिंतन है, वादी स्वर का संपूर्ण ज्ञान। ठीक है दोस्तों, हम देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम थ्योरी समझ के हम उसको इग्नोर कर देते हैं, परंतु वो प्रैक्टिकली अप्लाई होती है। जो चीज़ आप थ्योरी में पढ़ते हैं दोस्तों, वो प्रैक्टिकल ही होती है। जो चीज़ प्रैक्टिकल होती है वही थ्योरी में आती है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो चीज़ क्रियात्मक होती है वही शब्दबद्ध होकर सिद्धांतिक रूप में प्रस्तुत की जाती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आज का, जिसमें मैं बताने जाऊँगा आपको कि वादी स्वर का राग से क्या महत्व है और वादी स्वर की क्या इम्पोर्टेंस है राग गायन में इन इंडियन म्यूज़िक। तो ये लेक्चर सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बिगिनर्स हैं, जो संगीत में रुचि रखते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम मैं बताता हूँ कि वादी स्वर होता क्या है, उसका क्या महत्व है। उसके बाद मैं ये इस चीज़ पर भी आऊँगा कि वादी स्वर कौन कौन से स्वर कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम वादी स्वर, आपने मेरे पहले के अगर लेक्चर्स देखे हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ वादी स्वर राग रूपी राज्य। राग क्या है? एक राज्य। याद करो मूवी बाहुबली, बाहुबली में राज्य था कि नहीं, जिसका राजा कौन था? खुद बाहुबली था ना दोस्तों। वो अलग बात है कि दुश्मन आ गया, मतलब विवादी स्वर ने अटैक कर दिया, उसका राज्य छिन गया, लेकिन अल्टीमेटली राजा तो बाहुबली ही रहा। ऐसे ही राग रूपी राज्य का राजा स्वर है वादी स्वर। मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताऊंगा। इतना महत्व है इस स्वर का कि अगर आप वादी स्वर चेंज कर दो तो राग ही चेंज हो जाता है दोस्तों। जस्ट फॉर एग्जांपल, दो राग बेसिक एलिमेंट्री राग हैं, भोपाली और देशकार। भोपाली के स्वर भी वही हैं जो देशकार के हैं। सा रे गा प दा दा सा दा प ग रे सा, ये इसका स्ट्रक्चर है, सिर्फ आरोह अवरोह में बता रहा हूँ। अब भोपाली का वादी स्वर है दोस्तों गंधार, ठीक है, जबकि देशकार का वादी स्वर है धैवत, मतलब जो भोपाली का वादी है वो संवादी स्वर है देशकार का, और जो देशकार का संवादी है वो वादी है भोपाली का, है कि नहीं दोस्तों। तो देखिए, अब चलन राग की चलन ही डिपेंड करती है वादी स्वर पे। सर्वप्रथम तो ये बात है, देखिए सा रे गा प ग रे ग धा ग रे ग प ग सा रे द धा ग रे सा रे द सा रे ग ग प ग ग प द प ग रे सा रे द सा। गंधार को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं भोपाली में, जबकि देशकार का उठाव ही कैसा है, सा ग प ध प ध प ध सा द प ध सा ग रे द द सा द प ग ग द प प ग प द सा द प ध प ग प ग रे सा रे द सा। स्वर वही है लेकिन अलग अलग स्वरों पे न्यास करने से चलन बदल गई, चलन बदल गई तो भाव बदल गया, भाव बदल गया तो राग बदल गई। तो ये इम्पोर्टेंस है वादी स्वर का, ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया। इसके अलावा वादी स्वर समय निर्धारित करता है। देखिए समय निर्धारित कैसे करता है उस पर मैं आ रहा हूँ। सप्तक के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक तो होता है पूर्वांग, एक होता है उत्तरांग। पूर्वांग अर्थ सारे गामा, ये सारे गामा पूर्वांग कहलाता है, और पधनी सा ये उत्तरांग कहलाता है दोस्तों। आप ध्यान से सुनिएगा, जो पूर्वांग का जो पोर्शन है दोस्तों, उसका टाइम निश्चित कर रखा है आदरणीय भातखंडे जी ने कि साहब पूर्वांग सारे गामा उसका टाइम है दोपहर के 12 से
रात्रि के 12 बजे तक, जबकि उत्तरांग का इसके विपरीत रात के 12 से दोपहर के 12। मतलब ये सारे गामा पूर्वांग का टाइम ये निश्चित है, उत्तरांग का टाइम ये निश्चित है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब आप देखिए, आप एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, राग यमन का एग्जांपल लीजिए। आप यमन का वादी स्वर है गंधार, नि रे ग मा रे ग रे ग मा प मा ग। ग को हाईलाइट कर रहा हूँ, ग वादी स्वर है यमन का। ग कहाँ पे आ रहा है दोस्तों? सप्तक के पूर्वांग में। इसका मतलब इसका जो टाइम निश्चित होगा वो कौन सी रेंज में आएगा? मैंने जैसे बताया दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे। अब आप टाइम देखिए यमन का क्या है, 6 से 9, जो कि रात्रि का पहला पैर, जो कि इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोपहर के 12 से रात के 12 बजे के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों, 6 से 9? तो इस तरीके से देखिए समय निर्धारित हो गया हमारे वादी स्वर द्वारा। एक और एग्जाम्पल लीजिए, एक राग है कल्याण थाट का हिंडोल, सा ग म ध नि सा नि ध म ग म ग सा। ये स्वर है इसके। अब इसका वादी क्या है दोस्तों? धैवत। ठीक है, धैवत सप्तक के उत्तरांग में आ रहा है। उत्तरांग का समय क्या है दोस्तों? उत्तरांग का समय रात के 12 बजे से हमारे दोपहर के 12 बजे तक। अब हिंडोल का आप समय देखिए, इकलौता राग है कल्याण थाट का जो कि सुबह गाया जाता है प्रातःकाल। और प्रातःकाल मजे की बात, आ रहा है कि नहीं आ रहा? रात के 12 से दोपहर के 12 के बीच में ही तो आएगा ना भाई, सुबह तो तभी होगी ना इसके बीच में। तो ये तो धैवत जो कि वादी स्वर है किसका? हिंडोल का। इसने समय निश्चित कर दिया हिंडोल का। तो वादी स्वर द्वारा राग का समय निश्चित हो जाता है, राग बदल जाता है कि नहीं? वादी स्वर को हम बहुल स्वर, अंश स्वर, जीव स्वर, प्रधान स्वर, अनेक नामों से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली राग गायने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक राग की आपको चलन सुनाऊंगा वीडियो के एंड में, जरूर आप देखिएगा, जिससे मैं स्पष्ट करूंगा कि प्रधान स्वर वादी स्वर कैसे है। किसी भी राग गायन में हमको ये चीज़ प्रैक्टिकली प्रूफ करनी होती है कि साहब ये ही वादी स्वर है और ये क्यों है। यू हैव टू शो केस थ्रू योर प्रेजेंटेशन, थ्रू आलाप, एडलिब। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और जो कि परम आदरणीय भातखंडी जी ने बताई अपने 40 सिद्धांतों में से, कि वादी स्वर कभी भी तीव्र मध्यम नहीं हो सकता या शुद्ध निषाद नहीं हो सकता। कारण क्या है? क्योंकि वादी और संवादी में संवाद होना जरूरी है। अब संवाद क्या होता है वो भी समझ लो। संवाद वो ध्वनि जो सुनने में कर्णप्रिय हो, कॉन्सोनेंस। अब देखिए, अब सा पा, सा और पा को आप एक साथ दबाएं, ये सुनने में कर्णप्रिय लगेगा आपको। अब ये कर्णप्रिय लग क्यों रहा है? क्योंकि श्रुति अंतर। श्रुति अंतर दो सबसे अच्छे बताए हैं भरत मुनि ने, आज तक लेकर वही अप्लाई हो रहा है भातखंडे तक। प्राचीन म्यूजिक से लेकर आज तक के म्यूजिक तक जो कि श्रुति अंतर है, वो दो श्रुति अंतर सबसे अच्छे माने गए हैं। वो कौन से? 9 के और 13 के। 9 और 13 ये सबसे अच्छे श्रुति अंतर माने गए हैं। अब आप देखिए, सा सा अगर मैं प्राचीन संगीत की बात करूं तो टोटल 22 श्रुतियाँ। सा मेरा कौन सी श्रुति पे होता है दोस्तों? 4थी श्रुति पे। जबकि पंचम कौन सी श्रुति पे होता है? 17वीं पे। तो 17 - 4 करो कितना हो गया? 13। ठीक है, तो सा और पा का सबसे अच्छा संवाद माना जाएगा, क्योंकि श्रुति अंतर कौन से? 13 और 9 के सबसे अच्छे बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब सा और मा ले लो आप, सा 4थी श्रुति पे और मध्यम मेरा है 13वीं श्रुति पे। 13 - 4 कर दो आप, कितना हुआ? 9। तो सा मा, क्योंकि 9 श्रुति अंतर का गैप ये परफेक्ट अच्छा होता है कॉन्सोनेंस के लिए, संवाद के लिए। तो ये सबसे अच्छा संवाद माना जाता है सा पा और सा मा का। अब आप सुनो, सा और तीव्र मौकों में एक साथ दबाता हूँ, ये तो सब ऐसा लगेगा जैसे कोई भयानक घटना घट गई हो। इसको कहते हैं डिसोनेंस या फिर विवाद। इसलिए क्योंकि तीव्र मध्यम विवाद पैदा करता है, इसलिए ये कभी वादी स्वर हो ही नहीं सकता। ये लॉजिक है, और यही चीज़ शुद्ध निषाद के लिए भी एप्लीकेबल होगी। आप सा और नी को एक साथ दबाओ, देखो कितनी गंदी आवाज़ आती है, बेसुरी, एकदम बेसुरी आवाज़ आएगी। इसलिए क्योंकि ये संवाद नहीं बना सकते, ये स्वर तीव्र मध्यम और शुद्ध निषाद, इस कारण से ये कभी भी वादी स्वर का रूप नहीं ले सकते। हाँ, संवादी
निषाद जरूर हो सकता है संवादी स्वर, लेकिन तीव्र मध्यम तो आपको संवादी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अमंगलकारी स्वर माना गया दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि तीव्र मध्यम और शुद्ध निषाद कभी भी वादी स्वर का रूप नहीं ले सकते, क्योंकि वादी स्वर का हमेशा संवाद होता है। अब मैं यही चीज़ आपको आदरणीय भातखंडे जी की जो उनकी जो स्वरों की जो व्यवस्था थी श्रुतियों में, उसके थ्रू भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ। अब भातखंडे जी ने पहले स्वर रखे, बाद में श्रुति रखी, ठीक है। अब सा कौन सी श्रुति पे था? उनकी पहली श्रुति पे, फर्स्ट पे, है ना दोस्तों। और जबकि मध्यम कौन सी श्रुति पे था दोस्तों? मध्यम था दसवीं श्रुति पे। अब 10-1 कर लो आप, 9, तो 9 का संवाद आ गया, है कि नहीं दोस्तों। अब पंचम के टर्म्स में भी आप ले लो, प 14वीं श्रुति पे था भातखंडे जी के अकॉर्डिंग, है ना दोस्तों। ये मैं आपको पूरी सारणी आपको दिख रही होगी, देखिए आप इसमें आप देख रहे होंगे कि भातखंडे जी के अकॉर्डिंग ये जो आपको दिख रहा है बिलावल शुद्ध स्वर, राइट एक्सट्रीम राइट में जो आपको दिख रहा है दोस्तों, उन्होंने पहले स्वरों को रखा, है ना। अब सा की हम जानते हैं 4 श्रुति, मा की 4, प की 4, इन तीनों की 4-4 श्रुतियाँ, जबकि रे और ग की 3-3 श्रुतियाँ, ग और नी की 2-2 श्रुतियाँ, ठीक है। अब भातखंडे जी के अकॉर्डिंग आप देखिए, सा पहली श्रुति पे आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त, जबकि माँ कौन सी श्रुति पे आ रहा है? दसवीं पे, तो 10-1 कर लो, 9, तो ये हो गया साहब, 9 का संवाद बैठ गया। अब सा और प का देख लो आप, बिलावल के स्वर वाले के नीचे आधुनिक जो मैंने लिखा है, अब इसमें देखो प कौन सी श्रुति पे आ रहा है दोस्तों? 14वीं पे, तो 14-1 करो आप, 13, तो ये सबसे बेस्ट संवाद माना गया। और प्रैक्टिकली हारमोनियम पे आपने सुनी लिया होगा सा मा और सा पा को दबा के, और यही चीज़ हमने षडज ग्राम के स्वर, मतलब जो भरत जी ने स्वर दिए उसमें भी एप्लीकेबल हो रही है। तो निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों? वादी और संवादी में संवाद होता है। अब यही चीज़ आप दोस्तों प्राचीन संगीत, मतलब ये जो षडज ग्राम के स्वर हैं, आप रे और ध के बीच में देख लो, ध कौन सी श्रुति पे है? 20 पे, जबकि रे कौन सी पे है? 7वीं पे। आप 20-7 करो, कितना हुआ? 13, तो ये भी संवाद बैठ गया, ठीक है दोस्तों। आप ग और नी में देख लो ये चीज़, ग कौन सी श्रुति पे है? 9वीं पे, जबकि नी कौन सी पे है? 22 पे, तो 22-9 करो आप, 13, तो ग और नी में भी संवाद बैठ गया, है कि नहीं दोस्तों। तो ये 9 और 13 का फिगर आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, इससे संवाद हमारा स्थापित होता है। तो वादी और संवादी में हमेशा संवाद होता है। तो ये हमारा संपूर्ण वादी स्वर की इंपॉर्टेंस थी। आई होप आपको समझ आई कि एक तो समय निर्धारित हो गया हमारा, और वादी स्वर से हमको गायन समय का पता चल गया। मैंने आपको इसके अलग अलग नाम बता दिए, और इसके अलावा ये भी चीज़ मैंने स्पष्ट की कि वादी संवादी में संवाद होता है, और उसके अलावा मैंने आपको बताया तीव्र मध्यम और शुद्ध नी कभी भी वादी स्वर का रूप नहीं ले सकता। अब राग रूपी राज्य का वादी स्वर ऋषभ क्यों हुआ दोस्तों? ये मैं कुछ स्वर संगतियां आपको गा के बताता हूँ, इससे मैं प्रूफ करूँगा कि जय जयवंती का वादी स्वर ऋषभ क्यों है, है कि नहीं दोस्तों। देखिए वक्र जाति का राग है ये जय जयवंती, अब प्रूफ करने जा रहा हूँ कि वादी स्वर इसका ऋषभ क्यों है। सनी सदनी रे 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 ग म प म ग म रे ग रे नि स रे नि द प रे ग रे नि स रे ग म प प म प ग म रे ग रे ध नि रे प रे म प नि द प ध ग म रे ग रे रे ग म प ग म रे ग रे नि सा। अब आप एक बार इमेजिन करो, अगर मैं ऋषभ भी वर्जित कर दूं इसमें, तो जय जयवंती का गौड़ अंग गायब हो जाएगा, जय जयवंती में देश अंग गायब हो जाएगा जिसके आधार पे ये राग गाया जाता है। तो ऋषभ गायब कर दूं, मतलब राजा ही हटा दूं राज्य में से, तो राज्य चल ही नहीं सकता। राज्य का नाम क्या है? जय जयवंती, ये राज्य चल ही नहीं पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई वादी स्वर की। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ जो थ्योरी लगती थी अब प्रैक्टिकल लगने लगेगी, आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे और इसका अच्छे से रियाज करेंगे तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और इस चीज़ का मनन चिंतन कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए, तो आपको और सफलता मिलेगी। आपकी संगीतमय सेवा में ऐसे ही आता रहूँगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ओम शांति।